बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन यहां बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। बागनाथ मंदिर के समीप सरयू तट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बसपा के प्रदेश महासचिव सतपाल सिंह ठुकराल व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश टमटा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना की। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया तथा जरूरतमंदों को शॉल वितरित किए। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है। इस में मुझे जो है यहाँ बागेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में भेजा गया और यहाँ पे मेरे आने पर इन लोगों ने बहुत मान सम्मान किया और ख़ास करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस के अवसर पर तमाम महिलाएं आपके बीच में आई हैं। उनकी दीर्घ आयु और कामना के लिए सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और इस घाट पर जो है बहुत हर्षोल्लास से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिला बनाया है उस जिले को बनाने को लेकर यहाँ के लोगों ने बड़ा उत्साह हुआ कि हमारे बीच में कोई मेहमान आया है। बहन जी के जन्मदिन यहाँ मनाने के लिए केक भी काटा गया है। बहुत उत्साह है इन महिलाओं में और आने वाले समय में बहन जी को फिर ये यहाँ पर उत्तराखंड में देखना चाहते हैं और यहाँ पर जो आज कार्यक्रम चल रहा है इस घाट पर और वहाँ पर जो है कि मंदिर में भी आज वहाँ की कमेटियों ने हम लोग का बहुत मान सम्मान पूजा अर्चना भी की और यहाँ पर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी हम लोग को मान सम्मान दिया गया कि बहन जी का जो है आप लोग आए हैं, आपका सम्मान है, आदर है। और इसी के साथ हम लोग भी बहन जी को दीर्घ आयु की कामना करते हैं और आगे आने वाले समय में दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जल समस्याएं, उनके लिए हम काम करेंगे। और कांग्रेस बीजेपी ने जो आज यहाँ पे तांडव मचा रखा है और किसानों के लिए और यहाँ मजलूमों के लिए, बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के जो अपमान जगह जगह हो रहे हैं, इन इन, इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों से लोग पक चुके हैं और थक चुके हैं। जो यहाँ की सोच है वो विकास की सोच है, इसलिए 2022 में बहन जी को यहाँ उत्तराखंड के लोग देखना चाहते हैं। और इसी के साथ आप लोग को भी मैं पुनः और पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोग मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप में बीच में इन गरीब असहाय लोगों के बीच में आकर के इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए आए हैं। वो हम हर साल 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं और इसी सरयू तट पर, और इस बार भी बहन जी के जन्मदिवस में पूरे देश में जन कल्याण दिवसीय रूप में यह मनाया जा रहा है और हम भी बागेश्वर में यहाँ और यहाँ पर जन्मदिवस मना रहे हैं। यहाँ पर केक भी काटा गया और कुछ सम्मानित महिलाओं को सम्मान दिया गया, शॉल बांटे गए और बहन जी की दीर्घायु की कामना की गई और सबको बहन जी की जन्म वैश्विक जन्मदिवस पर सब देशवासियों को बधाई और मीडिया कर्मियों को बधाई, हमारे जनपदवासियों को बधाई। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम हर बार बहन जी का स्वागत करते हैं, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा हमें ऋण दिया है जिसके रूप में हम चाहते हैं कि बागेश्वरवासी यहाँ से उनको भी एक उसका पुरस्कार दें और यहाँ से एक सीट बागेश्वर विधानसभा से बहन जी को दें, क्योंकि जनपद बनाने का सारा श्रेय जो है बहन जी को है। और जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब उत्तराखंड को 4 जिले दिए, 8-10 तहसीलें दी और यहाँ का विकास पूरी तरह से संपन्न कराया। यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो पुनः विकास की ओर हम अग्रसर होंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।